चेंज करने का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नाम का चेंज, दूसरा है यूजर नेम का और तीसरा प्रोफाइल फोटो का, यानी कि आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हो, अपना यूजर नेम भी चेंज कर सकते हो। और तो वैसे अगर आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट का नाम चेंज करना चाहते हो, क्या करते हो कि जब भी यार आप लोग अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हो, तब यार आप अपने फेसबुक अकाउंट पे नाम पे या तो आगे कुछ लगाना चाहते हो या फिर पीछे कुछ भी लगाना चाहते हो या फिर अपने नाम को बिल्कुल ही चेंज करना चाहते हो, तो आप लोग सोचते हैं कि यार अब हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ने ऐसा कोई तरीका नहीं दिया जिससे कि आप लोग डायरेक्ट अपने नाम को चेंज कर सकते हो। बट मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको एक मिनट के अंदर आप अपने फेसबुक का नाम चेंज कर सकते हो, या फिर आगे कुछ लगा सकते हो, पीछे भी कुछ लगा सकते हो, अपने हिसाब से आप कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप तक एंड तक बने रहो, मैं आपको बताने वाला हूँ आप एक मिनट के अंदर ये नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो वैसे आप लोग यहाँ पर साइड स्क्रीन पर देखते रहो, तो ये मेरे एक दोस्त का मोबाइल है जिसके ऊपर मैं आपको अपने दोस्त का नाम चेंज करके दिखाने वाला हूँ कैसे मैं यहाँ पर नाम चेंज करूंगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर उसका एक जो ऑफिशियल अकाउंट है जो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारी चीजें आपको नीचे स्लाइड करने पर मिल जाएगी, पर यहाँ से आपको नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो चेंज करने का ऑप्शन कैसे मिलेगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखो। तो यहाँ सबसे नीचे दिया हुआ प्राइसी एंड सेटिंग, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हो। सेटिंग का ऑप्शन पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी सेटिंग्स आपके सामने ओपन हो जाती है, जो भी फेसबुक की सेटिंग होती है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। थोड़ा मैं नीचे स्लाइड करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई है, आप फेसबुक के रिलेटेड कुछ भी सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि न्यूज फीड, रिएक्शन संबंधित, नोटिफिकेशन या भाषा के संबंधित, मीडिया के संबंधित, ब्राउज फीचर्स के संबंधित, प्रोफाइल को लॉक करना, प्रोफाइल की जानकारी यहाँ पर, पोस्ट स्टोरेज, रील्स, फॉलोवर्स, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर चीजें दी हुई है। इनमें से आपको कहीं भी ये चीज नहीं देखने को मिलेगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट का यहाँ नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर पूरा आप स्लाइड कर ले तो नीचे तक, तब भी आपको कहीं भी एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा देखने को कि यार मैं यहाँ से फेसबुक अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि फेसबुक ने यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है नाम चेंज करने के लिए। अगर फेसबुक अकाउंट पर नाम चेंज करना है तो अगर फेसबुक ने यहाँ पर फेसबुक ने एक और ऑप्शन दिया है नाम चेंज करने के लिए, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो फेसबुक अकाउंट को सबसे पहले जाकर, जो फेसबुक का जो एप्लीकेशन होता है आप उसे जाकर सबसे पहले अपडेट करो। अपडेट करने के बाद ही आप लोग नाम चेंज कर पाओगे, वरना आप लोग नाम चेंज नहीं कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये सारी चीज आपको छोड़ देनी है, आपको किसी भी चीज को फोकस नहीं करना है। थोड़ा मैं नीचे स्लाइड करता हूँ और उसके बाद देख सकते ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा, जब आप अपना फेसबुक पे यहाँ पर उसको कर लोगे अपडेट, तो उसको अपडेट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट सेंटर का, यहाँ पर मेटा ऑप्शन दिया हुआ है और ऊपर दिया हुआ है अकाउंट सेंटर का, तो ये यहाँ पर ऑप्शन मिल चुका है। अब यहाँ से हम लोग आपको बताने वाले कैसे आप अपना नाम चेंज कर पाओ। अब ये मत सोचो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा और आपका नाम चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आगे और भी सारी सेटिंग्स होती है जिन सेटिंग को आपको क्लिक करने के बाद ही आप अपना नाम चेंज कर पाओगे। तो क्या क्या सेटिंग है आप आगे देखते रहो, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट सेंटर पर देखें, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, जैसे हम अकाउंट सेंटर देखने पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया अपने प्रोफाइल दिया हुआ है, उसके नीचे दिया है सभी फाइलें शेयर करें, निजी जानकारी, पासवर्ड एंड सुरक्षा और आपकी जानकारी परमिशन, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई। यहाँ पर आप मेटा वेरिफिकेशन भी करवा सकते हो अगर आपको करवाना चाहिए तो, ठीक है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें चाहिए अपने यहाँ पर जो नाम चेंज करना, तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर प्रोफाइल पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके जो अगर आपके पास एक अकाउंट होगा तो एक ही शो होगा, आपके पास दो अकाउंट होगा तो दो ही शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त का यहाँ पर एक ही अकाउंट शो हो रहा है, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी लॉगिन है और फेसबुक पर भी लॉगिन है, ये एक ही अकाउंट। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा यहाँ पर ऊपर मेरे दोस्त की जो यूजर आईडी वो भी सामने शो हो रही है और यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। और यहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन दिया नाम चेंज करने का, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नाम का चेंज, दूसरा है यूजर नेम का और तीसरा प्रोफाइल फोटो का, यानी कि आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हो, अपना यूजर नेम भी चेंज कर सकते हो और अपनी प्रोफाइल फोटो वो भी चेंज कर सकते हो। ये तीनों चीजें यहाँ से चेंज होने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर नाम पहले मैं चलूंगा नाम पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं नाम पर क्लिक करूंगा यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा, नाम चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं। इसको नाम यहाँ से चेंज करने के बाद सेव कैसे करना है वो आप एंड तक देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे यहाँ पर नाम चेंज होता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त का नाम है राजेश सुतार लिखा हुआ है साथ में, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसे कस्टमाइजेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ राजेश लिख दूंगा और मिडल नेम आप अपने हिसाब से रख सकते हो और लास्ट में हम देख सकते हैं राजेश सुतार लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, ऊपर राजेश कर दूंगा और सरनेम यहाँ पर सुतार लगा दूंगा, ठीक है। मैं उसके बाद इसे क्या करने वाला हूँ, शेव करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हो और अन्य आप अपने नाम को मोनेटाइज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे बहुत सारे नाम आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तभी यहाँ पर शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम यहाँ पर दोस्तों का नाम राजेश सुतार ऐसे हो जाए जैसे मैंने यहाँ पर अपडेट किया, और मैं इसके यहाँ पर बदलाव सेव पर क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सेव पर क्लिक करते हैं,
थोड़ा सा यहाँ पर वेट लेगा क्योंकि धीरे देखो वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर दो राजेश नाम आ चुके हैं, या तो आप लोग रख सकते हो राजेश सुतार रख सकते हो जो आपको प्रोफाइल पर दिखेगा, ठीक है, या फिर आप देखो सुतार राजेश आपको जो अच्छा लगे वो दिखेगा। और यहाँ पर एक चीज और नीचे दी हुई ध्यान से देखो, ठीक है, आप अगले 60 दिन तक ये नाम चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने अभी नाम चेंज कर लिया तो 60 दिन तक यानी करीब 2 महीने तक आप ये नाम चेंज नहीं कर पाओगे, तो आप इस चीज का बात का ध्यान रखना। और आपको जो नाम चाहिए हम उस पर क्लिक करें, हमें ऊपर वाला नाम चाहिए राजेश सुतार, तो मैं यहाँ पर बदलाव पर सेव क्लिक कर दूंगा और यहाँ से जो मेरे दोस्त का नाम है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। क्या आप यही नाम अपने इंस्टाग्राम पर भी करना चाहते हो चेंज? अगर आप करना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जारी रख दूंगा। जारी रखने के बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर इंटर करने होंगे, जो भी आपने अपने इंस्टाग्राम पे पासवर्ड बनाए होंगे, जो भी आपने फेसबुक के जो पासवर्ड बनाएंगे वो आपको यहाँ पर इंटर करने होंगे। और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन इन करना होगा और लॉगिन इन करने के बाद अब अपना जो भी नाम चेंज करना चाहते हो वो नाम आपका चेंज हो जाएगा। तो बस एक यही तरीका होता है अपने फेसबुक पर नाम चेंज करने का, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, सही तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर सही तरीके से आपको समझ में आया तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। फिर से एक नए वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक ले गुड बाय।